It's my life. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Hi, how you guys? कैसे हो यार तुम सब? मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बहुत ज़माने से vlog नहीं किया, and that is true. मैंने बहुत ज़माने से vlog किया ही नहीं. बहुत सारे reasons थे. Reasons in a sense कि मेरा दिल नहीं करता यार. जब views नहीं आते तो मेरा दिल नहीं करता. तो आज हमारा है off. और लेकिन आज मैं बाहर जाएंगे अपने दोस्तों के साथ. मैंने ना डिसाइड किया था कि मैं दारुल उलूम या दारुल सुकून जाऊंगी. भाई साहब मैंने इतनी कॉलें की हैं, मैंने कोई ऑलमोस्ट 7-8 ऑर्गेनाइजेशंस में कॉल की. ईदी सेंटर, दारुल सुकून, गोशा खातून इंस्टीट्यूट है एक, और बहुत सारे और भी हैं, नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहे, मगर बहुत सारी जगहों पे, मगर उनका विजिट का सिस्टम इतना ऑफ है. एक तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, वो सारे लोग जहाँ रिस्पॉन्सिव है वहां पे लाइक यू कैन नॉट गो एक दिन पहले बता के, या फिर ऐसे ही नहीं जा सकते आप. तो अगर तुम लोगों को में से किसी को पता है, एक दो लोगों से मेरी बात चल रही है, हो सकता है मैं फिर नेक्स्ट वीक या किसी दिन मैं विजिट करूँ. तो यस है. तो आज बहुत दिनों बाद लाइक मैंने स्किन केयर नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं आज स्किन केयर करूँ. तो ये मेरा स्किन केयर बॉक्स है, इसकी भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी जो जो चीजें मैंने इसमें इंक्लूड की हैं. जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं एक मॉर्निंग स्किन केयर या फिर नाइट स्किन केयर ज़रूर शूट करूंगी. सबसे पहले फर्स्ट स्टेप था ऑब्वियसली फेस वॉश करना. सबसे पहले मैंने फेस वॉश किया, स्किन केयर का नॉर्मल फेस वॉश आता है वो किया, फिर मैंने क्लेंजर लगाया फिजियोजेल का. इसका रिव्यू भी मैंने दिया है, ये काफ़ी अच्छा क्लेंजर है. इसके बाद जो है मैंने चावल का आटा लिया और चावल के आटे में मैंने मिक्स किया रोज़ वाटर और उसको उसका पेस्ट बना के एज अ स्क्रब लगाया और उसके लिए वेट किया. उसके बाद मैंने लास्ट में शेव किया, जिसको मैंने एलोवेरा जेल और नॉर्मल शेविंग से जो है मैंने शेव किया. ये मैं हर बार करती हूँ, मेरी इस पर बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल है. इसके बाद मैंने एक वाइटामिन ई का कैप्सूल था, वो ये मैं आज कल यूज़ कर रही हूँ, बट मुझे नहीं लगता ये मेरे लिए इफेक्टिव है. तो अगर तुम लोगों को लगे कि तुम लोगों पर सूट करता है तो येस लगाओ. हेलो, तो शावर मेरा हो चुका है. ओके, और अब मैं जल्दी से तैयार होने लगी हूँ. उसके बाद मैं तैयार होकर मिलती, मैं कोई तैयार होने की वीडियो नहीं बना रही बिकॉज मैं मेकअप की ऑलरेडी बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ. हेलो, तो तैयार मैं हो चुकी हूँ, राइड करवा लिया, मैं जा रही हूँ. मैं इतनी दूर से आई हूँ, मेरे रिक्शे में हालत खराब हो गया. मैं इतनी दूर से बिल्कुल खाली पार्क आई हूँ, बिल्कुल खाली पार्क. ये पार्क जो है ना, मैं बताती हूँ कहाँ पे. इस पार्क का नाम है रशीद गोदिल पार्क और ये आ खान के आसपास है. बिल्कुल खाली पार्क और टिकट भी है इस पार्क का. आई डिडंट न्यू. अब सही है, अब मेरा मेकअप थोड़ा बेहतर लग रहा है क्योंकि थोड़ा सा मैंने टचअप किया है. यहाँ पे हमने सेटअप करना स्टार्ट किया था. हम सबसे पहले वाइट चादरें लेके आए थे, सबसे पहले हमने वो लगाई थी. उसके बाद जो भी हम डेकोरेशन के पीसेस जो है वो लेके आए थे, वो हमने वन बाय वन जो है उसको प्लेस करना स्टार्ट किया था. एक सेकेंड गाइस, ये आप इग्नोर करें. हम लोग बचल रहे हैं, हमारे पास कह रही है खाने को. पेंटिंग हम करने वाले हैं. पिज्जा होगा, मैं पिज्जा खाऊंगी. हम पिज्जा खाएंगे. यस, नहीं आंखें मेरी थोड़ा बहुत दिखा. अच्छा, लेकिन तुम्हारा साइज नहीं है. मेरा रिएक्शन कैसा है? तो चलो निकाल लो इसको, रख दो, आंखें बंद करो. अच्छा चलो, मैं आंखें बंद कर रही हूँ. चलो इसको रखो ना, आंखें बंद करो. ओके,
ये क्यूट सी रिंग जो है उसने मुझे गिफ्ट की थी, वीडियो मैंने बनाई थी रिएक्शन की लेकिन वो मिस हो गई थी। और ये था हमारा सेटअप, हमने सारा का सारा सेटअप इस तरीके से ही रखा था। इसकी वीडियो भी हमने अपलोड की हुई है गाइस, हमने बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स ले ली हैं। हेलो गाइस, गाइस हेलो गाइस, हमने खाना खा हमने हम जब मैं आई थी तब पार्क बिल्कुल खाली था, अभी पार्क में इतने लोग हैं। चलो गाइस, अब हमारा खाना वाना ऑल सब कुछ हो चुका है ऑर्डर, केक हमने काट लिया है, अब हम करने लगे हैं पेंटिंग। पेंटिंग के लिए मैं सामान लेके आई हूँ। वाओ, ओएमजी, खुदा निकाल लिए पेंटिंग के लिए इंस्पो। और मैं साइड किया, हम ये दो पेंटिंग करेंगे, एक ये वाली एक ये वाली रेड। खाना आ चुका है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे ज़रूर बताना कि मैं मज़ीद कौन सी वीडियो करूँ। बाय।